अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसन सगीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फार्मर बॉयज। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज है बछड़ा फार्मिंग का डे। से वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बछड़ा फार्मिंग का आज डे नंबर 6 है और आपको अपडेट देने के लिए हाजिर हूँ। आज के कामों में जो है वो कुछ हमारा ड्रम वाला आइडिया जो था, जो आपसे शेयर किया था, वो तो कुछ फ्लॉप सा हो गया। तो पानी का हौज आज हम इंशाल्लाह खुद ही तैयार करेंगे, तो साथ साथ आपको वो भी दिखाएंगे कि वो किस तरह से बना रहे हैं। ये जो आपको चकोर सा दिख रहा है, कुछ इस तरह से हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तकरीबन इसमें 2 से 3 ब्लॉक वो ऐड करेंगे। माशाल्लाह से आज इनको सुबह जो चारा लगा है वो इन्होंने खा लिया, तो मैं अभी इनको और चारा लगवा दूंगा ताकि इनके सामने हर वक्त चारा मौजूद रहे और ये खाते रहे। देखिए पानी पी रही है मैडम। इस तरह से जो है ना, वो जानवरों का पानी पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, नीचे झुक के बाल्टी के अंदर छोटी सी जगह में। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हाइट वाला हम बनाएंगे, पानी की कुंडी जिसको बोलते हैं लोकल जबान में। आगे आने वाले हमारे प्लान्स में इंशाल्लाह जानवर मजीद ऐड करना शामिल है और कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छा, कल रात में हमने एक और अपडेट किया यहाँ पे, सब यहाँ पे हमने बल्ब्स ऐड कर दिए क्योंकि रात में भी कभी यहाँ पे कुछ काम होता है या आगे आगे जैसे गर्मी आएगी, कोशिश करेंगे कि जानवर रात में भी बाहर रहें, अंदर थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे कुछ लाइटें ऐड कर दी हैं और ये हमारे पास जो जगह है तकरीबन 37 फीट लॉन्ग है और 20 फुट चौड़ी है। तो इस जगह में तकरीबन 10 जानवर बड़े तो आराम से आ जाएंगे। देखें खुला है तो एकदम से अंदर घुस गए सारे। ये हमारी अंदर की जगह है। थोड़ी सी मौसम में थोड़ा गर्माइश पैदा हो तो फिर इनको एक दिन नहला भी दूंगा मैं। सरसों का तेल खिलाऊंगा इनको इंशाल्लाह एक दो दिन में, आधा पाव एक हर जानवर को पिला देंगे, उससे भी काफ़ी रिजल्ट आता है। इनकी स्किन में बहुत शाइन आ जाती है, तो अभी थोड़े से गंदे गंदे से लग रहे हैं क्योंकि अभी इनका जो है वो बाल झड़ने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा खाल का इंजेक्शन लगाने। अच्छा, बाकी हमारा डोर जो है वो इन्होंने एक दो झटके मार के तोड़ दिया, इसको भी रिपेयर करना बाकी है। अभी जो फीमेल है हमने उसको रात में जो है सेपरेशन दे देते हैं, कुछ जुगाड़ सी किए ये सीढ़ी और बीच में एक बांस लगा देते हैं, फीमेल को हम अलग कर देते हैं मेल से। भी इनको चारा लगवाते हैं, कुछ चारा लगाया है, सुबह कुछ कम लगवाया था जानबूझ के क्योंकि कुछ थोड़ा सा कम उठा रहे थे चारा, तो अभी मुझे भूखे लग रहे थे तो ये लगाया, तो माशाल्लाह बहुत शौक से खा रहे हैं सारे। कमेंट्स में बताएं कि आपको बछड़ा फार्मिंग के ऊपर डेली के बेसिस पे अपडेट्स किस तरह से लग रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में, कुछ मालूम चाहते हो मीट के हवाले से, चारे के हवाले से, तो कमेंट्स में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। और तो कराची में जो लोग रहते हैं अगर उनको फिज़िकली भी कोई हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड हो जाएगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे अपना नंबर भी शेयर कर दूँगा। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है बहुत अच्छा, कुछ देसी गांव स्टाइल का जो है वो म्यूज़िक चलाया हुआ है।
देसी माहौल है यहाँ पे जी, मजेदार सा। ये हम पानी का होज बनाने जा रहे हैं, तो ये हमने उसकी अभी बेसिक मार्किंग कर ली है और अभी हम इसको प्रॉपरली बनाने जा रहे हैं, तो आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे, अपडेट भी देते जाएंगे। थोड़ी सी इसकी अभी हम झिरी बना रहे हैं जिसके अंदर हम थोड़ा सा नीचे माल लगाएंगे और फिर उसके ऊपर ब्लॉक हम लगा के इसके स्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर देंगे। ये सीमेंट का मसाला बनाने के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। अपडेट अबाउट पानी का होज, दो लेवल हमने कंप्लीट कर लिए हैं ब्लॉक के और अभी इसके अंदर हम पूरा मलबा भरेंगे, ठीक है। और मलबा भरने के बाद इसको लेवल करके फिर ऑलमोस्ट दो ब्लॉक की और हाइट देके वो पानी की जगह होगी। ये हमने तकरीबन एक घंटे के अंदर ये इतना काम मुकम्मल कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।